नहीं आता। हेलो एवरीवन, दिस इज अपर्णा एंड सिजलिंग स्पाइसेस विद अपर्णा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता, जो मुंह में लेते ही एकदम से घुल जाती है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो हमें मलाई कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक कद्दू, और ये कद्दू कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मैं इसका हाफ पीस ही लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसके लिए हमें चाहिए, बैटर रेडी करने के लिए चाहिए हमें बेसन, चॉप्ड ऑनियन, क्रश किया हुआ जिंजर, क्रश किया हुआ गार्लिक, सॉल्ट स्वाद अनुसार, थोड़ा सा सोडा, ओनियन पेस्ट, और ये है रफली चॉप्ड एंड पेस्ट ऑफ टमाटो, ये है घर में बनाया गया क्रीम, ये है चिली जिसको हमने स्लाइसेस में काट लिया है, और ये है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा खड़ा जीरा, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, और यह है गरम मसाला। तो आइए सबसे पहले हम इसे इसका एक पीस ले लेंगे। ये कद्दू हमारे पेड़ के ही है, मैंने अपने गार्डन में ही कद्दू का पेड़ लगाया हुआ है और मैंने अपने गार्डन से ही ये एकदम फ्रेश कद्दू लिया है। तो इसे हम काट कर इसे पील कर लेंगे। तो देखिए इसे मैंने छील लिया है और इसे मैंने दो पीस में काट भी लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर का जो बीज है उसे सबको निकाल लेंगे इस तरीके से। हमारी कद्दू बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम एक ग्रेटर के साथ मदद से ग्रेट करेंगे। ग्रेटर में जो पतले वाले ये पीस होते हैं इस तरह के साथ आपको नहीं करना है, आपको हमेशा मोटा वाला पर्शन ही यूज करना है। पतले वाले पर्शन में कुछ ज्यादा ही ये पतला हो जाता है, उसमें ज्यादा पानी निकलने लगता है, तो आप इसे थोड़ा सा मोटा रखें। इसी तरीके से आपको सबको ग्रेट कर लेना है। देखिए हमारे सारे कद्दू को मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम कद्दू में मसाले, बेसन सब कुछ ऐड करेंगे, तब आपको सारा बैटर रेडी करने के बाद, मतलब सारे मसाले को मिक्स करने के बाद, उसे इमीडिएटली फ्राई करना है उसके बड़े, वरना अगर हम बैटर को कुछ देर के लिए भी रख दें तो उस बैटर से पानी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बॉटल गार्ड में बहुत ज़्यादा परिमाण में पानी रहता है। ठीक है, तो आइए इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम कद्दू को एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। देखिए मैंने कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में स्पाइसेस लिए हैं क्योंकि मैंने ये बैटर रेडी करने के लिए भी लिया है और जब मैं करी बनाऊंगी तब उसमें भी मैं आधे स्पाइसेस यूज करूंगी। तो आप बहुत सारा स्पाइसेस यूज ना करें, मैंने आधा आधा करना है इसलिए मैंने इतना सा लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर और गरम मसाला, और इसमें हम ऐड करेंगे खड़ा जीरा। खड़े जीरे से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसमें हम ऐड करेंगे
क्रश किया हुआ जिंजर, क्रश किया हुआ गार्लिक, चॉप्ड ऑनियन, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। आप बेसन को एक साथ सारा इसमें ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा बेसन ही ऐड करें। अब इसे हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे जो कद्दू था उससे पानी निकलना बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुका है। इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है पर फिर भी ये ऑटोमेटिकली ये मिक्सचर ऐसा दिख रहा है जैसे इसमें मैंने पानी पहले से ऐड किया हो, पर ये जो पानी निकल रहा है वो सिर्फ कद्दू का है। मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं किया और मेरे कद्दू के पानी से ही मेरे ये बैटर रेडी हो गया है। देखिए इसमें हम और थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। मैंने आपको पहले से कहा था इसमें हम धीरे धीरे बेसन ऐड करेंगे क्योंकि अगर ज्यादा बेसन की क्वांटिटी हो गई तो हम जब खाएंगे तो इसमें हमें कद्दू का टेस्ट बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ हमें बेसन बेसन ही रहेगा। तो अभी इसको धीरे धीरे थोड़े थोड़े बेसन के साथ ही मिक्स करें। हम इसे जितना मिक्स करते जा रहे हैं कद्दू से उतने ही एक्स्ट्रा वाटर रिलीज होते जा रहा है। देखिए इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट को देने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे खाने का सोडा। मैंने इस बैटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करके रेडी कर लिया है। आइए अब इसे तलेंगे। पहले ही एक पैन में ऑयल गरम कर लिया था, अभी हम इसे छोटे छोटे बड़े बनाकर इसे तल लेंगे। छोटे छोटे बनाइए, ध्यान रहे आपने इसमें खाने का सोडा डाला है तो ये वैसे ही फूल जाएंगे। कोशिश कीजिए इसे शेप पूरा गोल देने का क्योंकि बहुत सुंदर दिखते हैं अगर इसके शेप गोल होते हैं तो। इसी तरीके से आपको सारे बड़े को फ्राई कर लेना है। देखिए और इसे फ्राई करने के बाद हमें इसे गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है। जब ये गोल्डन हो जाए कलर में या फिर थोड़ा सा स्लाइट रेडिश दिखने लगे तो हमें इसे निकाल लेना है। देखिए देखिए इस तरीके से, तो आप इन सबको तल लें। देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है, एकदम रेडिश कलर। इस स्टेज में आपको सारे कोफ्ते को निकाल लेना है।
ये देखिए और इसी तरीके से ये सारे बड़े फ्राई कर लेने हैं। देखिए हमने सारे पकौड़े इस तरह से फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं ये। आइए अब हम करी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे जीरा, ओनियन का पेस्ट, इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और ये स्लाइस किए हुए चिली। इसे एक क्विक मिक्स देंगे। इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक और टमाटर की प्यूरी। हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। आप सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करें। मुझे इस करी में चिली थोड़ा सा तीखा चाहिए तो मैंने और थोड़ा सा चिली एक्स्ट्रा मिक्स किया है। आप इस तरीके से बनाइए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ये मसाले को बहुत अच्छी तरीके से आप फ्राई करिए और इसका वो कच्चापन जाने तक हम इसे कुक करते रहेंगे। मसाले का कलर वो तेल सब छोड़ दिया है हमारा मसाला। अब इस स्टेज में हम मिक्स करेंगे एक चम्मच फ्रेश क्रीम। मैंने कुछ क्रीम को बचाया है फॉर गार्निशिंग। जब हम प्लेटें रेडी करेंगे तब हम उसमें क्रीम से गार्निश करेंगे, तब वो प्लेट देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग दिखेगा। और अगर कुछ चीज़ दिखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी उतनी ही अच्छी लगती है। तो आप हमेशा से प्लेटर को पहले ध्यान दें और जब आप प्लेटर रेडी करें तो उसमें बहुत ही अच्छा सा एक डेकोरेटिव मोड उसमें रखिए, एक डेकोरेशन सा कीजिए और तब आप प्लेटिंग करिए। देखिए हमने मसाले को बहुत अच्छी तरीके से कुक कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो मैंने जिस बाउल में अपना बेसन का और कद्दू का बैटर बोला था उसी बाउल में ही मैंने पानी ऐड करके उसको धोकर उसी पानी को मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है तो बहुत ज़्यादा इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे इसमें ज़्यादा ग्रेवी पसंद नहीं पर फिर भी हमें थोड़ा सा इसमें वाटर ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सारे बड़े जो हैं वो बड़े सब पानी को सोख लेंगे। तो इसमें मैं और हल्का सा पानी ऐड करूँगी। आप पहले पानी को अच्छे तरीके से माप लें वरना
आपके हाथ से ज्यादा भी पानी गिर सकता है और ज्यादा पानी गिरेगा तो सब्जी खराब हो जाएगी। देखिए हमारा ये जो ग्रेवी है वो कुक होने के लिए रेडी है। अब इससे हम एक लिड से कवर करके इसे 5 to 10 minutes बॉईल करके छोड़ देंगे। फ्रेंड्स 10 minutes हो चुके हैं, देखिए इसमें बॉईल आ चुका है और बहुत अच्छी तरीके से हमारा करी बॉईल हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सारे बड़े, ध्यान रहे बड़े डालने के बाद में आपको इसे ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये बड़े बहुत जल्दी करी को पूरे अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ज्यादा अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो फिर इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आप ट्राई कीजिए इसको बड़े डालने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए ही उसे कुक होने दें, उससे ज्यादा उसे कुक मत होने दें। इसे फिर से एक लीड की हेल्प से कवर कर दे और 5 मिनट तक पकने दे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं। तो ये देखिए एकदम परफेक्टली रेडी है हमारे मलाई कोफ्ता करी। अब इस स्टेज में हमें गैस को कर देना है ऑफ। अब इसमें हम मिक्स करेंगे ऊपर से फ्रेश क्रीम। आइए अब इसे हम करते हैं सर्व। ये रेडी है हमारा टेम्प्टिंग और डिलीशियस मलाई कोफ्ता करी। आप इसे जरूर खाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि ये आपको कैसा लगा। थैंक यू।